इस वीडियो को समझने से पहले इस बात को अपने गांठ बांध लीजिए कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप होते हैं, अंदर से होते हैं, वही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पा रहे हैं, उस वाइब्रेशन में नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली वो बन ही नहीं पा रहे हैं जो आपको होना है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहां बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और मॉडर्न हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। भगवान ने जब मूसा को, मोसेस को दर्शन दिए थे, तो उन्होंने एक लाइन कही थी मूसा से कि आई एम दैट आई एम, मतलब मैं जो हूं वही मैं हूं। समझ में नहीं आया? मतलब ये है कि भगवान क्लियर ये बोलते हैं मूसा से कि ये जो पूरे संसार जो तुम्हें दिख रहा है, उसे मैंने नहीं बनाया, अपितु मैं ये खुद हूं। हाँ, हर वो चीज जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें नहीं मिला है, जो तुम पाना चाहते हो, वो हर चीज मैं खुद हूं। मतलब सब में मुझे देखो, अपने आप में भी, अपने दुश्मन में भी, और अपने आसपास की हर चीज़ में। जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम नहीं पा चुके हो, वो हर चीज़ मैं खुद हूँ। तो ये तो है मूसा की कहानी, मोसेस की कहानी। मॉडर्न हीलिंग साइंस में हम इसे किस तरह से समझते हैं, ध्यान से समझना दोस्त, कि जो चीज़ आप चाहते हैं, सोचो कि अगर आप कोई कार चाहते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि थोड़ा फेल हो सकता है दिमाग, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कि अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने आप को ये सोचेंगे कि वो कार मैं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पहले लाइन में ये कहा था ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप होते हैं, है ना? तो अगर आपको कोई कार चाहिए, तो क्या आपको वो कार होना होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ कहने का मतलब ये है, उस कार को पाने के बाद जो आप होंगे, वो आपको होना होगा। पकड़ में आ रही है? कार का मालिक बनने के बाद, दो चार दिन, पांच दिन, सात दिन उस गाड़ी को चलाने के बाद, जो एक्चुअल आपकी फीलिंग होगी उस कार के मालिक बनने के बाद, उस फीलिंग में आपको, उस फ्रिक्वेंसी में आपको आना है। आपको कोई आईफोन चाहिए, आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको वैसा एटीट्यूड पहले से ही क्रिएट करना होगा, पहले से ही बनाना होगा। यानी कि अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, तो एक डॉक्टर को आप देखिए कि डॉक्टर कैसे होता है। एक को नहीं, कई डॉक्टर्स को देखिए, उनका बिहेव को देखिए, लाइफस्टाइल को देखिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी राइटिंग स्किल को देखिए, उसके बोलने के तरीके को देखिए, और बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश कीजिए अंदर से। बाहर से नौटंकी करने नहीं बोल रहा हूँ, अंदर से बनने की कोशिश कीजिए। अपने ऑरा को वैसा बनाइए। आपको IPS बनना है, आपको एक अमीर आदमी बनना है, आपको जो भी बनना है, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से, इस वक्त से शुरू करनी होगी। आपको अंदर से वैसा फील करना होगा कि अगर आप जब वैसे होंगे, तो आप कैसे दिखेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे बात करेंगे, तब आप उस फ्रिक्वेंसी में एक्चुअली आ रहे होगे। और जब आप उस फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा। फिर वो महीनों में भी हो सकता है, हफ्तों में भी हो सकता है, दिनों में, घंटों में, या मिनट्स में भी हो सकता है। आपको सिर्फ अपनी उस गोल के फ्रीक्वेंसी में आना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एक बार जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, तो आपके अंदर की वो ची ऊर्जा, वो ची शक्ति आपको उस गोल के पीछे दौड़ाएगी, उसके लिए सही रास्ते दिखाएगी, उसके लिए विल पावर जगाएगी, आपको आलसी नहीं होने देगी, आपको कर्मठ बनाएगी, आपके अंदर की उस आग को और तेजी से भड़काएगी, और आप इस तरह से अपने गोल के लिए अग्रसर होंगे, और आपका हर एक्शन एफर्टलेस एफर्ट बन जाएगा। देखने वालों को ये लगेगा कि ये इतने मेहनत का काम इतनी आसानी से कैसे कर लेता है, इतनी इजीली क्यों ये कर लेता है, ये सुबह 5 बजे कैसे उठ जाता है, ये पूरे दिन कैसे काम कर लेता है, ये पूरे दिन कैसे पढ़ाई कर लेता है, ये कैसे इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहता है, इतना खुश रहता है, इसके पास ये सब कुछ ऐसा कैसे आ गया, ये सब
आपके आसपास के लोग सोचेंगे, क्योंकि आप भी तो ऐसे लोगों को देख के यही सोचते हैं, उनके ऑरा को देख के, उनके अचीवमेंट्स को देख करके, है ना। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आसपास के ऐसे किसी भी लोग से जैसे जैसा आप बनना चाहते हैं या जो भी आप बनना चाहते हैं और कोई और इंसान वो बन चुका है, तो उससे जलना बंद कर दो। अगर आप उनसे जलेंगे, सपोज कि इंस्टाग्राम में आप कैसे इस इंसान को देखते हो, जैसी लाइफस्टाइल आप एक्चुअली चाहते थे, जैसा अचीवमेंट आप एक्चुअली चाहते थे, उसके फॉलोअर्स को देख के, उसके गाड़ी को देख के, उसकी लाइफस्टाइल में जो जो चीज़ें वो कर रहे हैं उन सबको देख के आपको लगता है कि ये तो मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन ये इसके पास है, और आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, आपको जेलसी होती है, आप उसके पोस्ट को देखना ही नहीं चाहते, उसके पोस्ट को लाइक ही नहीं करना चाहते, उसके पोस्ट पे कमेंट नहीं करना चाहते, आप उससे बेस्ट विशेष भी नहीं देना चाहते, जबकि उस बेचारे ने सब कुछ अच्छा किया है। ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड आपको वो कभी बनने नहीं देगा जो आप बनना चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स को ये मैसेज जा रहा है कि आप एक्चुअली में इस चीज़ को नापसंद करते हो, वो जो चीज़ आप देख रहे हो उससे आप नापसंद कर रहे हो, उससे आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आप उसको नहीं चाहते, आप उसको नहीं चाहते, इसलिए वो आपकी लाइफ में कभी होगा भी नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, आप जिस चीज के लिए जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में वो प्रकट होता है। जो चीज प्रकट होता है वो आपको पसंद आए या ना आए, इस बात से यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आपको ये बात बहुत गहरे से समझ में आई होगी कि आई एम दैट आई एम क्या है। आने वाले वीडियो पे लॉ प्रोटेक्शन को और अच्छे से ब्रीफली समझेंगे, कई ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसे सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते आजी।